फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का. ओके सो एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी थ्री. अब देखो यहां पर तुम प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन वाला जो अभी हमने देखा था, प्रिंसिपल एडिशन वाला भी प्रिंसिपल देखा था, उससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो. लेकिन उससे सॉल्व नहीं करना, वो तो हमने कंसेप्ट समझने के लिए, पक्के करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज थी. अब हमें फॉर्मूला का यूज करके ही करना है, परम्यूटेशंस पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में भी वापस वही आएगा. डन. हाँ, आंसर क्रॉस चेक करने के लिए तुम उसका यूज कर सकते हो जो हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके हैं, आंसर क्रॉस चेक करने के लिए. अंडरस्टूड. तो फर्स्ट अभी मैं करके दिखाता हूं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर. ओके तो थ्री डिजिट का नंबर लिखना है. हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9. मतलब मेरे पास है कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. डन. इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट होगा नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है. इनमें से 9 जो है हमारे पास, ओके नंबर्स, उसमें से 3 डिजिट का, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस. सिंपल है, ज्यादा कुछ ऑड है, इवन है, ये वो कुछ बोला नहीं है. डन. तो सिंपली हम जो करते थे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, वो तो कितना इजी था, वो तुम चेक कर सकते हो आंसर क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए. क्या करते थे हम कि भाई 3 डिजिट का नंबर, तो ऐसे 3 बॉक्स बना दिए हमने. ओके और चॉइसी करना है हमें, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है. तो यहाँ कितनी चॉइसेस है मेरे पास, 9 चॉइसेस है. सो यहाँ पर 9, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 8 और फिर 7, यही था. ओके तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 8 72 72 7 5 0 4. सो आंसर हमारा आएगा 504. वो हमें लाना है मतलब लाना नहीं है, क्रॉस चेक तुम्हें करना हो तो कर सकते हो. डन. हमें परम्यूटेशन जो अभी हम समझे उससे सॉल्व करना है. डन. ओके चलो तो उससे सॉल्व करते हैं. ये तो हमने जो हमें पहले से पता था उससे सॉल्व किया. ओके तो 3 डिजिट, अभी देखो मेरे पास टोटल एन अवेलेबल कितने हैं, 9. ओके 9 में से मुझे 3 डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है तो 3 डिजिट सिलेक्ट तो करने पड़ेंगे. सो 9 में से 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे और वो 3 का अरेंजमेंट बनाओ. 9 में से 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे और वही 3 का अरेंजमेंट करो. तो मेरा बन क्या जाएगा, 9 P 3. 9 में से 3 का परम्यूटेशन बनाना है लेकिन टोटल अवेलेबल कितने थे, 9. सो 9 में से 3 सिलेक्ट करके उनके परम्यूटेशन करो, मतलब अरेंजमेंट करो. 9 में से 3 सिलेक्ट करके उनका परम्यूटेशन करो, उसका अरेंजमेंट करो, वही चीज बोल रहे हैं. ओके तो दैट्स इट. अभी ये हमारा फॉर्मूला तो है क्या, एन पी आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो 9P3, तो 9P3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल. So that is equals to 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial 6 factorial 6 factorial cut ho gaya. 9 8 7 ka multiplication yahi aayega, wahan pe bhi wahi tha 504. So aa gaya na hamara answer. Yes. Okay. To wo jo kar rahe the usse tum verify kar sakte ho, lekin abhi karna aise hai humne. Done. To sir bande aise combine to se kya hai, to aise hi karna hai. ऐसे ही वो नहीं, ये ओके. जब जैसे मिसेलेनियस में पूछ लिया या एग्जाम में थोड़ी बोलेंगे कि ये 6.1 में से. ओके सो तब यही मेथड करना है. ओके तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था ऐसा समझो. ऐसा ये सेम न्यूमेरिकल गिवन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. सेम अभी ये मैं उठा के 6.1 में डाल दूं तो क्या करोगे तुम, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो वैसे ही करोगे ना ये ऊपर वाले तरीके से. डन. लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए था, वेरीफाई करने के लिए तुम उसका यूज कर सकते हो. हमारा मेथड ये है.
परम्यूटेशंस ये है. डन, पक्का समझ में आया? तो मतलब वाले जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही करने हैं. यस करेक्ट, समझ गए. वो वाले जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही करने हैं. अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे ही डिट्टो. मतलब देखो, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, तो जब क्वेश्चन होगा ना तो उससे देख के तो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि वो कौन सी एक्सरसाइज में से. हमें यही मेथड फॉलो करनी है. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ये न्यूमेरिकल तो समझ में आ गया ना. हर बार हम वो मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन वाला, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वाला, कब एंड लगता है कब और लगता है वो हमने देखा था ना, तो वो यहां पर हम यूज तो करेंगे लेकिन वेरीफाई करने के लिए. तुम वेरीफाई तुम्हें करके दिखाना नहीं है, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं. तुम्हें क्वेश्चन पूछा है तो आंसर तो इतना ही लिखना है. डन, अंडरस्टूड? तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल. चलो सेकंड करते हैं.